8.5 यूरोप में नई चेतना और राष्ट्रवाद की लहर। फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 से 1804 के बाद पूरे विश्व में एक नई चेतना फैली, जिसे हम लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी चेतना कह सकते हैं। इसके पीछे यह मान्यता थी कि नागरिक मिलकर राष्ट्र बनाते हैं, अतः राष्ट्र की इच्छा अनुसार राज्य चले। उन दिनों इटली और जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में बंटे हुए थे। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया, रूस और ओटोमान जैसे विशाल साम्राज्यों के अंतर्गत आने वाले कई लोग अपने छोटे राष्ट्र राज्य बनाना चाहते थे, जैसे ग्रीस और पोलैंड। वे राष्ट्रवाद को लोकतंत्र से अलग करना चाहते थे और उसे भाषा, संस्कृति और धर्म से जोड़ना चाहते थे। वे राष्ट्रवाद का उपयोग राज्य के सशक्तिकरण के लिए करना चाहते थे। कुछ सालों में कई लड़ाइयों और अभियानों के चलते यूरोप का नक्शा बदलने लगा और पुराने छोटे बड़े राज्यों की जगह इटली, जर्मनी, ग्रीस जैसे नए राष्ट्र राज्य बन गए। इनमें ज्यूसेपे मेत्सिनी, ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, ऑटो वॉन विस्मार्क, कावूर, कैसर, विलियम प्रथम, विक्टर इमानुएल द्वितीय आदि की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनके प्रयासों से इटली और जर्मनी संगठित राज्य के रूप में स्थापित हुए। 8.6 एशिया में राष्ट्रवाद। 8.6.1 जापान। आम तौर पर यह जाना जाता है कि जापान पहला एशियाई देश है जहां राष्ट्र राज्य स्थापित हुआ। जापान में सम्राट का शासन था, लेकिन 12वीं सदी के बाद असली सत्ता शोगुन कहलाने वाले सेनापतियों के हाथ में आ गई थी। जापान उस समय 250 सामंती प्रदेशों में बटा था, जिन पर सामंत शासन करते थे। सम्राट नाम मात्र के शासक थे। सामंत किलों में रहते थे और उनके पास युद्ध लड़ने के लिए समुराई नामक योद्धा होते थे। किसान आसपास के गांवों में सामंत की जमीन जोतते थे और उपज का बहुत बड़ा हिस्सा उसे लगान के रूप में देते थे। वे बिना अनुमति अपने खेत छोड़कर कहीं जा नहीं सकते थे। उन्हें उत्पादन का लगभग 80% लगान के रूप में देना पड़ता था। 19वीं सदी में जापान में किसानों के विद्रोह भी होने लगे और सामंती राज्य की नींव हिलने लगी। शोगुनों को हटाकर सम्राट मेइजी की पुनः स्थापना। 18वीं और 19वीं सदी में चीन और भारत में पश्चिमी देशों का आधिपत्य स्थापित हो रहा था। शोगुन ने 1824 में यह फैसला लिया कि वे किसी पश्चिमी देश से व्यापार नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि वे उनके संपर्क में न आएं। सन 1853 में अमेरिका ने अपने नौसेना प्रमुख कोमोडोर पेरी को जापान सरकार से एक समझौता करने के लिए भेजा। पेरी के आने से जापान के लोगों का शोगुनों से असंतोष बढ़ गया। सन 1868 में समुराई वर्ग ने शोगुन को हटाने के लिए कई सामंतों तथा धनी व्यापारियों की मदद से एक सशस्त्र आंदोलन चलाया। वे सफल रहे और उन्होंने सम्राट मेइजी को जापान की सत्ता सौंप दी। उनकी अपेक्षा थी कि सम्राट के नेतृत्व में जापान एक एकजुट राष्ट्र के रूप में उभरेगा और पश्चिमी देशों की चुनौती का सामना करेगा। इस समय तक सामंत अपने अपने क्षेत्रों में स्वायत्त शासन कर रहे थे। यह व्यवस्था खत्म कर दी गई। अब कर्मचारियों के माध्यम से जापान में एक केंद्रीय शासन प्रारंभ हुआ। सामंतों का किसानों से लगान लेने के अधिकार का खात्मा दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। जापानी राज्य ने अब तेजी से औद्योगिकीकरण का कार्यक्रम शुरू किया, ताकि जापान एक औद्योगिक देश के रूप में विकसित हो सके। एक और महत्वपूर्ण कदम था सारी प्रजा में कानूनी समानता का ऐलान। इसके तहत समुराई जैसे वर्गों के विशिष्ट अधिकार समाप्त कर दिए गए। इसके बाद एक गुप्त समिति ने संविधान के लिए सुझाव तैयार करके सम्राट के सामने प्रस्तुत किया।
यह संविधान मूल रूप से बिस्मार्क द्वारा निर्मित जर्मन संविधान पर आधारित था। सन 1889 में नए संविधान का ऐलान हुआ, जिसे मेइजी संविधान कहा जाता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि सर्वोच्च सत्ता सम्राट की है और सम्राट अपनी इच्छा से यह संविधान अपनी प्रजा को दे रहा है। एक संसद का भी गठन किया गया, जिसके लिए केवल संपत्ति वाले लोग मत दे सकते थे। इस संसद की भूमिका भी सीमित थी। मेइजी संविधान में जापान की प्रजा को भी कुछ अधिकार दिए गए, जैसे कानून के समक्ष सबकी समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार, विधि द्वारा ही दंड दिया जाना आदि। लेकिन स्वतंत्रता के ये अधिकार बहुत सीमित थे।